सो फ्रेंड्स, लेट्स सी अ न्यू टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज बिग डेटा। के सोर्सेस क्या हैं? तो सोर्सेस तो हम लोग को भी पता है कौन हो सकते हैं, हम लोग ही सबसे बड़े सोर्स है, राइट ना? अभी देखते हैं। एंटरप्राइजेस व्हिच आर कलेक्टिंग डेटा विथ मोर ग्रैन्युलिटीज, मतलब डिटेल्स, नाउ अटैचिंग मोर डिटेल्स विथ एवरी ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर। अब क्यों, कैसे, रीजन क्या है? ओके, सो अभी आप लोग का वही यार, वो हमारा कैमरा, ओके, मोबाइल का कैमरा, दिस इज योर मोबाइल कैमरा, ओके, फॉगी माय ड्राइंग। सो अभी ये कैमरा क्या करता है, एक पिक्चर ले लेता है, सिंपल है ना, एक पिक्चर ले लिया, काम खत्म। उसको और कुछ करना है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर और डिटेलिंग होगा। क्या डिटेलिंग होगा? कि किस सॉफ्टवेयर से लिया गया है, ओके, उसका लाइटनिंग कंडीशन क्या था, देन इस वक्त फ्लैश चालू था क्या, देन इसका जियो लोकेशन क्या है, ओके, देन जब आप लोग ने इसको फोटो खींचा था तो ये स्लांट था क्या, सीधा था क्या, पोर्ट्रेट मोड में था, वो भी आता है, ओके, तो ये सारा इंफॉर्मेशन का क्या जरूरत है यार? आई जस्ट नीड अ फोटो, आई कैन से पिक्चर चाहिए मेरे को, ये सब कुछ की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत है। अभी आप लोग बहुत बार देखते रहोगे कि ये सारे कंडीशंस की बहुत जरूरत गिरती है। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशंस हम लोग को समझ में आ जाती है तो हर एक पिक्चर, मतलब अभी सपोज ये है आई कैन से आईफोन से लिया हुआ पिक्चर, और ये है सपोज आई कैन से वन प्लस से लिया हुआ पिक्चर, ओके, तो दोनों पिक्चर को हम लोग कंपेयर करते हैं, सेम जगह पे लिया रहता है, लेकिन ये सेम जगह से लिया हुआ पिक्चर को भी हम लोग कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि यार दोनों का लाइटनिंग कंडीशन सेम था, देन टू दिस इज हैविंग सम मोर डिटेल्स एंड दिस इज हैविंग सम लेस डिटेल्स, ओके, देन दिस कंपनी स्टार्ट्स इंप्रूविंग इट, देन सडनली क्या हो जाता है कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट मार देता है एंड वन प्लस का क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है आईफोन से। सो दिस इज द रीजन एवरी ट्रांजेक्शन और एवरीथिंग वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू ट्राइज टू कलेक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, मैक्सिमम, ओके। नाउ इंक्रीज इन द मल्टीमीडिया यूजेस अक्रॉस द इंडस्ट्री सच एज हेल्थ केयर एंड सम प्रोडक्ट कंपनीज, मतलब यहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज बहुत होने लग गया है। पहले कैसा था कि मल्टीमीडिया का यूज ज्यादा नहीं था, टेक्स्ट काम कर देता था, मतलब पैम्पलेट्स नाम का चीज होता था और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी दैट इज अ रिसाइकलेबल थिंग, ओके, रिसाइकल हो जाता है, वैसे डेटा भी रिसाइकलेबल है ना, ओके, व्हाट डू यू थिंक, डेटा रिसाइकलेबल है? या रिसाइकल क्या करना है, उसको डिलीट कर दिया, काम खत्म, ओके, बट द थिंग इज दैट वेन एवर वी से अ डेटा इज रिसाइकलेबल, इसका मतलब ये होता है कि मैं स्टोरेज को भी रिसाइकल करना चाहिए, मतलब हार्ड डिस्क खराब हो गया, इट शुड बी रिसाइकल्ड, बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, दैट इज टर्म्ड अंडर ई कचरा, मतलब ई गार्बेज, ओके, तो जब ई गार्बेज क्रिएट होता है तो हम लोग उसको रिसाइकलेबल नहीं बोलते, मतलब जितना ज्यादा हम लोग उस आई कैन से हार्ड ड्राइव को यूज करते हैं उतना ही उसका लाइफ कम होता है, जिसे लाइफ कम हो जाएगा, यू नो इट वेरी वेल, वो यूजेबल नहीं रहेगा एंड सम ऑफ द अदर डे यू आर गोइंग टू थ्रो इट कहीं पे भी, श्योर, देन जो कचरे वाले रहते हैं, जो आई कैन से गार्बेज कलेक्टर्स रहते हैं, वो अपना सारा डेटा अलग अलग कर देते, डेटा नहीं कह सकते, वो प्रोडक्ट्स अलग अलग कर देते, ठीक है। सो अभी देखो कि यार कहां कहां से डेटा आ रहा है, तो यू नो इट वेरी वेल, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, उधर से आता है, देन हम लोग स्मार्टफोन जितना ज्यादा यूज करने को लग गए वो भी एक डेटा का कॉज है, ओके, देन सेंसर डेटा आईओटी के अंदर का, यूजुअली हम लोग ऐसा कैमरा लगा हुआ देखते हैं हर जगह पे, दिस एरिया इज अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, ओके, क्या जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है, आज हम लोग को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसके अंदर जो सेंसर्स लगे रहते हैं, डिवाइसेस रहते हैं, वो भी हमारा बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस करता है, ओके, तो अगर देखने को जाएंगे तो यू विल एबल टू सी इट इन द परसेंटेज टर्म कि क्यों कौन कितना ज्यादा डेटा प्रोड्यूस करता है, तो सबसे ज्यादा मोबाइल यूज ऑफ द इंटरनेट सबसे ज्यादा डेटा यूज करता है, क्योंकि आज किसी के पास ऐसा नहीं है, मतलब आई कैन से अ डेवलप्ड कंट्री मे हैव 80% पीपल यूजिंग अ स्मार्टफोन, अ डेवलप्ड कंट्री, ओके,
डेवलप्ड कंट्री के अंदर मैं 100% भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैनी पीपल स्टिल डोंट प्रिफर यूजिंग मोबाइल। ओके, तो ये है, ऐसा बहुत जगह पे मैंने भी सुना है कि नहीं यूज करते, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं उसके अंदर से क्या होता है, बट दीज पीपल आर हैविंग स्टिल द मेंटालिटी टू नॉट यूज द मोबाइल फोन, देन इट इज ओके, दे विल नॉट यूज इट। ओके, बट वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ पीपल, वी यूज मोबाइल, वी यूज द इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट आई कैन से आई विल थ्रो द मोबाइल। ओके, अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो मेरा कुछ नहीं चलने वाला, तो मोबाइल लेकर मैं क्या करूँ। ओके, इवन इफ आई वॉन्ट टू प्ले द पबजी, पबजी खेलना रहेगा तो फिर भी मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यू नो इट वेरी वेल। सो इफ इंटरनेट नहीं तो मैं कुछ नहीं, मोबाइल का कुछ यूज नहीं। ओके, सो मोबाइल, क्लाउड कंप्यूटिंग, कोलैबोरेटिंग, मतलब आई कैन से आपके जो गूगल मीट्स होते हैं, ओके, बहुत सारे कम्युनिकेशंस होते हैं, मीटिंग्स होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं। ओके, नाउअडेज नो वन ट्राइज टू गो, अरे यार कुछ काम आ गया चलो यूके, ऐसा नहीं होता, दे टोटली डू ऑल दिस थिंग्स रिमोटली। ओके, हाँ कभी कभी जरूरत पड़ जाती है प्राइवेसी के लिए तो वो लोग वहां पे चले जाते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि हमारा जो कॉल्स जाते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉल लगाते हो, टेलीग्राम के ऊपर कॉल लगाते हो, क्या नॉर्मल कॉल यूज करते हो? नाउअडेज नॉर्मल कॉल आई डोंट थिंक सो इट इज दैट यूजफुल। ओके, नेटवर्क कट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम रहता है, प्लेंटी अमाउंट ऑफ पीपल हैव समथिंग कॉल्ड एज वाईफाई इन देयर होम। ओके, तो वो वाईफाई यूज करके यूजुअली टेलीग्राम कॉल करते हैं, टेलीग्राम देन व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, आई कैन से गूगल के कॉल्स कर लेते हैं, देयर प्लेंटी अमाउंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल नाउ, द बेस्ट इज योर टेलीग्राम। ओके, सो जब टेलीग्राम यूज करते हो तो वो आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन ही होता है, व्हाट्सएप कॉल करते हो तो आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन ही होता है। ओके, इवन सोशल मीडिया एंड आई कैन से वीडियो स्ट्रीमिंग, आई कैन से मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा इतना डेटा क्रिएट करता ही है। ओके, सो सबसे हाईएस्ट कौन है? अपना मोबाइल यूज, दैट्स इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, 3 V's ना, नहीं 3 V's, इसको क्या कहते हैं? 3 V's, V फॉर विक्ट्री। ओके, 3 V's ऑफ बिग डेटा, उसके अंदर सबसे पहला चीज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 V's का मतलब होता है V फॉर वॉल्यूम, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वैरायटी। नाउ द थिंग इज दैट द फर्स्ट थिंग वैरायटी, यू नो इट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज वी आर गोइंग टू क्रिएट फॉर स्टोरिंग द डेटा, इट इज नथिंग बट अ टेक्स्ट, दिस इज अ जेसन टेक्स्ट फॉर्मेट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी मोंगोडीबी इन दिस आई कैन से सब्जेक्ट, सो मैंने जेसन डेटा यहाँ पे लाना बेटर मुझे लगा। ओके, सो आई केप्ट दिस टेक्स्ट फॉर्मेट एज अ जेसन। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज योर इमेजेस, सो इमेजेस, वीडियोज, वॉट एवर इट मे बी, तो ये सारा चीजें अलग है। इमेजेस इज अगेन अ बाइनरी डेटा और आई कैन से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसका मतलब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कौन बता सकता है? ओके, ये मैं नहीं हूं, बट यहाँ पे कोई तो बंदा कुछ तो कर रहा है, इज टेकिंग अ फोटो ऑफ अ ब्रिज। ओके, ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड इट, राइट, अ कंप्यूटर कांट, बट नाउअडेज देयर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल हु कैन रिकॉग्नाइज व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन जस्ट सीइंग दिस इमेज, और आई कैन से जस्ट अपलोडिंग द इमेज। ओके, सो दिस इज डन बाय अ इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम, दिस इज डन बाय यूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बाद में जाएंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ इतना ही समझो, टेक्स्ट एंड इमेजेस आर द वैरायटी। सो आप बताओ मेरे को कि ऐसे वैरायटी ऑफ डेटा आप कितना बनाते हो? एक टेक्स्ट लिख दिया, बाद में सालों के बाद दूसरा टेक्स्ट लिखते हो, ऐसा होता है क्या? एक फोटो खींच लिया तो सालों के बाद, डेकेड्स के बाद आप दूसरा फोटो खींचते हो, ऐसा होता है क्या? नो मैन, वी क्रिएट दिस टाइप ऑफ वैरायटीज इन अ वॉल्यूम। ओके, और आपको भी पता है कि आप लोगों ने मोबाइल ले लिया तो कोई तो दूसरा फ्रेंड भी रहेगा जो आपका चीज, आपका मोबाइल देखकर बोलेगा नहीं मॉम, नो डैड, आई वांट दिस टाइप ऑफ मोबाइल, ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो क्या होता है कि लोग अडॉप्ट करने को चालू कर दिए हैं, नया नया टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने को लगते हैं, इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। सो वो क्या हुआ, वो स्पीड, मतलब आज जिस स्पीड में और कैसे जिस वैरायटी और वॉल्यूम में मैं डेटा बना रहा है, हर बंदा बना रहा है, राइट? नाउ दिस इज मैसी,
एंड दैट्स वेलोसिटी। ओके, अब हर बंदा बना रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ गया ना? और हर बंदा उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, डेटा बना रहा है, तो दैट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, पीपल आर अडॉप्टिंग टू स्मार्टफोन्स। ओके, नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इज योर थ्री वीज, दैट इज कॉल्ड एज, सबसे पहला मैं वैरायटी बोलूंगा, दूसरा वॉल्यूम बोलूंगा और तीसरा वेलोसिटी बोलूंगा। ओके, एंड दीज आर माई थ्री वीज, सिंपल। Now this is an example of digital universe from 2009 to 2020. Okay, so 2020 तक अगर मैं देखूंगा 2009 से लेकर 2020, it's 11 years का journey, तो वो journey में हम लोग 35.2 सेटाबाइट्स ऑफ डेटा खा लिए हैं। मतलब बोलते हैं ना कि एक बलून है, जिस बलून के अंदर हम लोग हवा भर रहे हैं, तो ये हवा भर भर के इतना बड़ा हो गया, द फैक्टरीज ऑफ 44। ओके, सो थिंक अबाउट इट, नाउ एवरीवन इज यूजिंग प्लेंटी अमाउंट ऑफ डिवाइसेस एट देयर होम। थिंक अबाउट इट, वन होम क्रिएट्स हाउ मच डेटा, शायद से 2030 का अर्थ साइज कुछ ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अब यूजेस ऑफ बिग डेटा। अब यार बिग डेटा का यूजेस मतलब क्या है यार, बिग डेटा का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? सो लेट अस कंसीडर अ कंपनी व्हिच इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसके अंदर R&D, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स है, एंड जो ग्लोबली फैली हुई है। तो क्या होता है कि शुक्र है क्लाउड कंप्यूटिंग नाम का चीज है, और कैसे क्लाउड स्टोरेज नाम का चीज है। ओके, सो क्लाउड स्टोरेज के वजह से हमारा क्या फंडा यूज में आने वाला है? सो आई कैन से कि मैं एक ही सिस्टम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शेयर कर सकता हूं, दैट्स प्रीटी सिंपल। सो इससे क्या हो सकता है कि आई कैन रिड्यूस द सर्चिंग टाइम एज वेल एज आई कैन टेक डिसीजंस प्रॉपरली, और मैं जब मेरा जो प्रोडक्ट क्वालिटी है इसको इंप्रूव कर सकता हूं। कैसे करेंगे हम लोग वो सारा चीजें? तो ऐसा कि देखो यार कि मैं कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कहीं पे मेरे को अगर लग रहा है कि कहीं पे कुछ चीजें नहीं बन रही है बराबर टाइम पे, तो आई विल एबल टू सी दिस थिंग्स, तो एटलीस्ट आई विल गेट एन आइडिया, एटलीस्ट आई विल गेट एन आइडिया कि यार सही सही चीजें बन रही है कि नहीं बन रही है। तो वो विजिबिलिटी मिलती है कि यहाँ पे डिले हो रहा है, यहाँ पे डिले हो रहा है, कहाँ पे डिले हो रहा है। सो इफ देयर इज अ विजिबिलिटी आई कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन, राइट? The next thing is called a discovery and analyze information. So whenever I talk about discovery and analyze information, the data is stored everywhere. You and me know it ki data store hua hai. So usually in a data warehousing naam ka ek concept hai. Kya hai? Data warehousing. Matlab ye big data aane se pehle data warehousing naam ka concept se hi hum log ne baaki sara analysis kiya hai. Okay, aaj bhi use hota hai aur aage bhi use hota hi rahega. Data warehousing ke andar kya hota hai ki hum log bahut se alag alag सोर्सेस से डेटा लेकर उसको क्लीन करते हैं और अपने फॉर्मेट में बनाते हैं। ओके, अपने फॉर्मेट में मतलब टैबुलर फॉर्मेट के अंदर, जिसके अंदर हमारा काम आसान हो सकता है। डेटा साइंस भी उससे आगे कुछ नहीं करता, सेम काम करता है, डेटा वेयरहाउसिंग का ही काम करता है, और उसके ऊपर हम हमारे एल्गोरिथम्स यूज करते हैं जो एनालाइज करते हैं। सो अभी हम लोग को डिस्कवर करना है कि भाई एग्जाम्पल वी आर हैविंग ए शॉप, चलो एक शॉप लेते हैं, हमारे पास एक शॉप है। ओके, इस शॉप के अंदर 10 लोग आ रहे हैं। ओके, मैं यही सोच के चल रहा हूँ साल भर 10 लोग ही आ रहे हैं। ओके, तो एवरी डे ये 10 लोग आते कुछ ना कुछ खरीद के जाते, तो अब क्या होता है कि साल भर का मैं डेटा बाजू में निकालेगा। ओके, एंड देन उसके अंदर से पैटर्न ढूंढेगा हर बंदा क्या खरीदता है। ठीक है, सो इससे मेरे को एनालाइज हो जाएगा कि हर साल मुझे हर बंदे के हिसाब से क्या क्या चीजें मेरे स्टोर के अंदर रखनी पड़ेगी। इट इज प्रीटी सिंपल। तो मुझे पता है कि ये 10 लोग ही आने वाले हैं और इसके इन लोग के लिए ये डेटा लगने वाला है और ये चीजें लगने वाली है, तो मैं यही चीजें लेकर रख देगा। ठीक है, सो इट इज प्रीटी सिंपल। तो ये सब वॉलमार्ट के अंदर अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो डीमार्ट का ले लेंगे, वॉलमार्ट का ले लेंगे, बिग बाजार का ले लेंगे। दीज पीपल हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ डेटा एंड ऑन दैट डेटा दे डू एनालिसिस कि भाई यार किस टाइम पे कौन सा चीज उनके स्टोर में होना चाहिए, या वो
अगेन इट इज अ टाइप ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग जिसके अंदर से डिसीजन लेने के लिए काम में आता है. तो बिग डेटा यहां पे भी यूज होता है एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन. ओके देन सेगमेंटेशन एंड कैटेगराइजेशन और कैन से कस्टमाइजेशन. ओके तो कस्टमाइजेशन अगर बात करता हो तो हम लोग डेटा रिव्यू लेते हैं. क्या कहते हैं? रिव्यू. ओके रिव्यू का मतलब आपको शायद से पता रहेगा. मोबाइल के भी रिव्यूज लेते हैं. ओके मोबाइल के रिव्यूज लेते हैं तो हम लोग पूछते हैं तुमको क्या चाहिए मोबाइल के अंदर. तो एवरी पर्सन डायरेक्टली मुंह फाड़ देता है कैमरा. ओके आई नीड अ कैमरा विच इज हैविंग द बेस्ट क्लैरिटी. ओके बाकी कुछ होना हो कैमरा हो दैट्स इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर जो बंदा टेकी है, टेकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैमरा से कुछ लेना देना नहीं है. ओके तो वो बोलेगा मेरे को क्या चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए. ओके मेरे को रैम अच्छा चाहिए. ओके अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे को इन दोनों चीजें से इतना लगाव नहीं है, मेरे को प्रोसेसर भी ठीक ठाक चाहिए, रैम भी ठीक ठाक चाहिए, कैमरा भी ठीक ठाक चाहिए. ओके लेकिन मेरे को स्क्रीन साइज है ना बड़ा चाहिए क्योंकि मेरे को बहुत काम रहता है और वो काम करने के लिए स्क्रीन साइज बड़ा चाहिए और मेरे बजट के अंदर. तो क्या हो रहा है मालूम है क्या, कि देयर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ पीपल आर गिविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिव्यूज. तो हर एक बंदे के लिए तो हम लोग बना नहीं सकते, लेकिन हम लोग एक चीज कर सकते हैं. कॉमन रिव्यूज कैन बी टेकन. कॉमन रिव्यूज, कॉमन रिव्यूज मतलब अगर 10 लोग हैं, इन लोगों का कॉमन रिव्यू है तो मैं बोलूंगा यार हाँ यार ये एक कैटेगरी हो गया. ओके ये एक सेगमेंट हो गया, इस सेगमेंट के हिसाब से काम करेंगे. इट इज प्रीटी सिंपल. ओके हम लोग पहला उसको सेगमेंट करते हैं, समझते हैं, एंड देन एज पर द यूजर वी डू सम कस्टमाइजेशन इन दैट प्रोडक्ट एंड मेक इट एज अ न्यू सेगमेंट. सिंपल. ओके कस्टमर का सबसे पहला नीड्स को समझते हैं और उस नीड के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग बना के रख देंगे. तो पहला कस्टमर को सेगमेंट करो, कस्टमर सेगमेंट्स बनाओ. ओके कि वो क्या क्या बाय करता है, उसको क्या चाहिए, उसका पैटर्न समझो. क्या समझो? उसका पैटर्न समझे. सो आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ दिस मोबाइल फोन्स बिकॉज एवरीवन इज विलिंग टू हैव अ मोबाइल फोन ऑफ हिज चॉइस. राइट ऐसा होना चाहिए था ना कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऐसा कैबिनेट मिलेगा जैसे हम लोग पहले पीसी रहता था मालूम है. ओके ऐसा कैबिनेट मिलता था और उस कैबिनेट के अंदर हम लोग को जो चाहिए वो सीडी रोम लगा दिया, फ्लॉपी डिस्क लगा दिया, डीवीडी ड्राइव लगा दिया, उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगाने का लगा दिया, मदरबोर्ड लगा दिया, जितना रैम चाहिए उतना डाल दिया. तो ऐसा होना चाहिए. दिस पीपल हैव एक्चुअली कैन से सही सही बनाया नहीं इन्होंने लैपटॉप वैपटॉप मोबाइल वोबाइल. एक्चुअली मोबाइल शुड बी इन दिस वे राइट. अगर हम लोग को रैम ज्यादा चाहिए रहेगा तो रैम इंक्रीज कर दिया. This should happen like this, okay? But if they do this type of things at that time, naya cheez bikega kaise? That is also a problem, okay? So we also need some different designs. We also need some innovations. So this mobile things will come in this way itself, okay? Shayad aage jaakar aap log ko aisa plug and play facility mile ki RAM insert kar diya, 4 GB RAM to 8 GB kar diya, okay? सो दिस इज अगेन कस्टमर नीड. मेरा नीड है लेकिन किसी ने अभी तक बनाया नहीं वैसा कुछ, ठीक है, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट. सो ऐसा सेगमेंट्स होते हैं. ये इतना बड़ा डेटा, इतना बड़े रिव्यू के अंदर से हम लोग कुछ ना कुछ नया चीजें सीखने को मिल जाता है या फिर समझने को आ जाता है कि अगर मेरे जैसे लोग लाखों करोड़ों रह गए तो उन लोग वैसा सेगमेंट बनाएंगे. समझे? सो द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज एडिंग डिसीजन मेकिंग. मतलब क्या होता है, डेटा बहुत है. ओके तो उससे हम लोग को डिसीजन लेना है. तो ऐसे ही हम लोग ने बहुत बार डिसीजन लिया है गूगल मैप्स के साथ. गूगल मैप्स के साथ हम लोग ने क्या डिसीजन लिया है, दिखता है ना गूगल मैप्स के अंदर भैया इधर बहुत ट्रैफिक है तो क्या करने का, हम लोग दूसरा वे पकड़ के घर चले जाने का. ठीक है, हाँ 2-3 किलोमीटर और बढ़ जाएंगे लेकिन ट्रैफिक तो नहीं लगेगा. सो जितना ज्यादा डेटा रहेगा उतना हम लोग क्या कर सकते हैं उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकते. डिसीजन मेकिंग का मतलब सिंपल है. ओके सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, यू आर हैविंग 10 गर्लफ्रेंड्स. ओके या फिर आई कैन से 10 बॉयफ्रेंड्स. ओके सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर नाउ. यहां पे क्या होने वाला है कि आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि आपके पास बहुत डेटा है. ओके नाउ इस डेटा में से आपको कौन सा बेटर लगता है, या आप एक्सपीरियंस या फिर आप लोग हर एक के साथ मैच करके निकालोगे. राइट सो उससे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, उससे आपका कैपेबिलिटी मिल रहा है, समझ रहा है कि डिसीजन लेने में आसानी होगी. इफ यू हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑप्शन इन योर हैंड यू कैन टेक अ गुड डिसीजन.
ओके, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो बोला वो सही सही करके दिखा। ओके, सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि डेटा कितना होना चाहिए, या फिर आपका बोलते हैं ना आपका आई कैन से विजन के ऊपर भी आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि आई कैन से कि माइट पॉसिबल आई हैव लेस डेटा, दिस इज नॉट अ बिग डेटा आई कैन से, ओके आई हैव अ लेस डेटा, बट सम डेटा इज अ प्रेडिक्टेबल डेटा। हाँ, ये भी जरूरी होता है प्रेडिक्टेबल डेटा, क्योंकि कभी कभी एक और मॉडल रहता है जिसको हम लोग हर वक्त निगलेक्ट करते हैं, लेकिन एआई के अंदर ये यूज में आता है, दैट इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल मॉडल। जब ये मैथमेटिकल मॉडल का बात करते हैं तो यहां पे कुछ ऐसा डेटा बनाया जाता है जो एक्चुअल में है ही नहीं। ओके, तो इस डेटा को भी हम लोग यहां पे ले सकते हैं। बिग डेटा कैन बी सब्सटेंशियली मिनिमाइज द रिस्क, इंप्रूव इन मेकिंग द डिसीजन एंड अनकवर valuable insights, मतलब जो चीज हम लोग को पता नहीं थी पता चल गई। ओके, अभी अनकवर विजुअल इनसाइट्स का मतलब क्या होता है? सी, बहुत बार कैसे हो जाता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है, ओके तो इस डेटा को हम लोग बार बार कंपेयर कर रहे कंपेयर कर रहे एक कहीं पे तो हम लोग को चीज ऐसा मिल जाएगा ना जहां पे हम लोग को समझ में आ जाता है कि यार ये चीज कहां से आ गया। ओके, नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, गूगल मैप्स किसने बढ़ाया, किसने इस गूगल मैप्स को रास्ता बताया, किसने इस गूगल मैप को बताया मैं यहाँ पे रहता हूँ, क्योंकि आप लोग ही हो जो इस गूगल मैप को यहाँ तक लेकर आए हो। आज गूगल मैप को इतना सारा चीजें पता है बिकॉज ऑफ पीपल फीड, मतलब आप, आपका जो लोकेशन रहता है, आप GPS ऑन करते हो और आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो, आप हर जगह पे जाते हो, तो आपसे ये डेटा लेता है और आज इसी डेटा को आपको ही बेच रहा है। ओके, इफ यू आर अ डेवलपर ही इज सेलिंग इट टू यू इटसेल्फ, मतलब पब्लिक का डेटा आपको मिल रहा है बट यू हैव टू पे फॉर इट। ओके, नो वर इज देयर, ही इट इज हिज जॉब, ओके उसके ऊपर तो वो कमाता है, ठीक है। सो द थिंग इज, ये इनसाइट्स मिलने का काम पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ बिग डेटा। अगर मैं बोलता हूं कि XYZ कंपनी कहां पे है तो यहां पे है, ये इनसाइट्स मिलने को चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतना डेटा आपके पास है, ठीक है। देन कम्स योर इनोवेशन। नाउ द थिंग इज दैट, अगर रियल टाइम डेटा यूज करते हैं फॉर मशीन्स और व्हीकल्स कैन बी एनालाइज्ड टू प्रोवाइड अ इनसाइट ऑफ इट, इट कम, इसका मतलब क्या? सी, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम गुड कार्स इज हैविंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम दैट these cars will be having some type of OBD devices, okay, which is attached to the car, और वो लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते और सॉफ्टवेयर चालू कर देते और कार चालू कर देते, तो ये बताते हैं कि ये कार कहां कहां पर ट्रेवल कर दी है, ओके और ये किस कंडीशन में ट्रेवल की थी, AC ऑन था क्या, क्लच को ज्यादा आप लोगों ने घिसा था क्या, टेरेन था क्या, ऑल दिस conditions को एनालाइज कर लेती है, सब कुछ सही सही एनालाइज कर लेता है सॉफ्टवेयर, एंड देन फाइनली ये आपको बता देता है कि यार तू सपोज ऐसा टेरेन जगह पे गया था और बहुत ज्यादा तूने गाड़ी को रेज किया, बहुत तूने प्रेशर दिया इंजन के ऊपर, तो ऐसा हो गया कि देर आर सम पार्ट्स इनसाइड इट, वो थोड़ा लूज हो गया या फिर यू नीड टू रिप्लेस इट। ओके, तो ये कैसे समझा उनको? ओके, उन्होंने तो सिर्फ एक कंप्यूटर लगा दिया और कंप्यूटर से सारा चीजें समझ में आ गया, so they don't have to diagnose everything, just they attached the computer, they got the history of the car and they came to know this is the reason the car is not working properly, so that is again an innovation. dekho yaar, sirf ek laptop laga kar samajh mein aa gaya ki karna kya hai, theek hai. ab unhone kya kar diya, they did some changes in your engine spark plug का जो वोल्टेज रहेगा उसके अंदर उसने चेंजेस कर दिया, स्पार्क प्लग नाम का चीज रहता है, इफ यू आर नॉट दैट मच टेक्निकल नो वरीज देयर, ऐसा कुछ रहता है दिमाग के अंदर रख देना। ओके, देन गाड़ी का स्पार्क प्लग, बाद में उसका इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है, एंड प्लेंटी अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स आर देयर, ही सेट करके आपके गाड़ी को ठीक ठाक करके आपका इफिशियंसी, इंजन का वापस वैसा ही स्पीड, साइलेंस, ऑल दिस थिंग्स आर मेंटेन एंड गिवन बैक टू यू। सो ये है यूज ऑफ यूर बिग डेटा। Okay, so this is what you use it. Uses of big data, समझ में आ गया रहेगा? Sure? So, that's it.